नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। मां शिवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया महादेव का रुद्राभिषेक, विश्व कल्याण की कामना की। रोजगार का लेकर सीएम योगी का बयान, बोले डिफेंस कॉरिडोर में बनेगी तोपें, मिलेगा रोजगार। मायावती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा ऐसी स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती। बरेली में मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को दिया मंत्र, कहा वंचितों को गले लगाएं, समाज में आगे लाएं। अब वोट भी नहीं दे पाएंगे अब्दुल्ला आजम, यूपी विधानसभा से अयोध्या ठहराए जाएंगे कि बाजरामपुर। आजम खान को लगा एक और झटका, आजम खान के करीबी फसाहत अली खान को मिली जमानत निरस्त। भाजपा पर बरसे सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, बोले बुलडोजर चलाने वाले पाएंगे सजा। आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर कसा तंज, बोले बाबा जी का बुलडोजर गरीबों को कर रहा है परेशान। निखत अंसारी के 5 घंटे पूछताछ, उसका आईफोन हुआ अनलॉक, अब जेल में रची गई साजिश के राज खुलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी आधार पर सफर करने का मामला। बाकियों की पंचायत में उठा अवैध खनन का मुद्दा, बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन करेंगे किसान। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कासगंज के कादरगंज घाट पर गंगा में डूबा वृद्ध, सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। सिंचाई विभाग के मुख्यालय का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया निरीक्षण, सभी अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। रायबरेली में मामूली कासुनी को लेकर दबंगों ने परिवार पर लाठी डंडों से बोला हमला, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल के रिश्वत लेते हुए आसिम को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार, स्टे लेने के नाम पर मांगी 10,000 की रिश्वत। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, संघर्ष में दो पक्षों से 2 महिला समेत 4 लोग हुए घायल। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है, घटना स्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्र की हुई मौत। अमेठी में श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, टक्कर में एक श्रद्धालु की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बदायूं में बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र पर कराया भर्ती। विवाद में लाइसेंसिंग रिवॉल्वर से युवक पर किया फायर, फायर के दौरान युवक के गर्दन पर लगी गोली, जांच में जुटी पुलिस। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन सख्त, सुरक्षा को लेकर सुरक्षा प्रबंध व यातायात में किया गया डायवर्जन। बदायूं में खनन माफियाओं का बोलबाला, खुलेआम हो रहा है बिना परमिशन के मिट्टी खनन, बढ़ती जा रही है ट्रैक्टरों की संख्या। औरैया में शिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिरों पर भक्तों की भीड़, बम बम बोले के जयकारे के साथ किया गया जलाभिषेक। एटा में शिव मंदिरों पर उमड़े भक्त, हजारों शिव भक्तों ने बम बम बोले का जयकारा लगाकर किया जलाभिषेक। बाबा विश्वनाथ 4 किलोमीटर दायरे में भक्तों की कतारें, बम बम बोले से गूंज रहा है लोकेश्वर मंदिर, पूरा महादेव ने कांवड़ियों की भीड़। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा शिवालय, महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की आस्था। ब्रज में 2 दिन मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व, मथुरा में शनिवार को, वृंदावन में रविवार को भक्त करेंगे व्रत। वृंदावन में
बागपत में पूरा महादेव के लाखों शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। आईजी ने देखी सुरक्षा व्यवस्था, एसटीएफ भी तैनात। गाजियाबाद के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में आधी रात से जलाभिषेक शुरू, गायों ने खुद टपकता था दूध, इसलिए नाम पड़ा दुग्धेश्वर। शिवालयों में उमड़ा आस्था का समुद्र, बम बम भोले की गूंज, अनिंद्रेश्वर मंदिर में 1 किलोमीटर तक भक्तों की लंबी कतारें। महाशिवरात्रि पर रायबरेली में उमड़ा जनसलाब, भगवान भोलेनाथ का शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। बाराबंकी के महादेवा में 4 लाख भक्तों ने किया जलाभिषेक, रात 12 बजे 3 किलोमीटर तक लगी लंबी कतारें। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का हुजूम, प्रयागराज के इसी मंदिर में प्रभु श्री राम ने किया था जलाभिषेक। गाजियाबाद में कार में मिला बिजनेसमैन का शव, ड्राइविंग सीट पर थी लाश, मुंह से निकल रहे थे झाग। हरदोई में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से नहर में गिरी गाड़ी, दूल्हे के बहनोई समेत 2 की मौत, 6 लोग घायल। गाजियाबाद में अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या, 2 साल पहले हुई थी शादी, पति ने ससुराल पहुंचकर की वारदात। बिजनौर में गुलदार के किशोरी पर किया हमला, मौत, मां के साथ मंदिर जा रही थी किशोरी, 1 सप्ताह से दूसरा। जेवर में बाइक की टक्कर से कांवड़ हुई खंडित, हंगामा, आक्रोशित कांवड़ियों ने लगाया जाम, पुलिस पर लगा आरोप। देवरिया में जिला बार एसोसिएशन चुनाव 1 मार्च को, अध्यक्ष पद के लिए 6 को, सचिव के लिए 4 पर्चा भरा। बिजनौर में सड़क हादसा, पिकअप ने स्कूटी में मारी टक्कर, बेटे की मौत, मां की हालत गंभीर। मुरादाबाद में अस्पताल की 3री मंजिल से कूदी महिला, उल्टी दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती थी महिला। मेरठ में चोरों के हौसले बुलंद, दुकान में कंबल कर नकदी सहित लाखों की चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। पीलीभीत में ससुर ने बहू को कुल्हाड़ी से काट डाला, पति की मौत के बाद 3 बच्चों के साथ ससुराल में ही रह रही थी महिला। कार से पिल्ला रौंदने वाले ड्राइवर समेत 2 पर FIR, सुल्तानपुर सांसद के बोलने पर हुई कार्रवाई। उन्नाव में डांसर से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, जन्मदिन पार्टी में कानपुर की डांसर को बुलाया था। मुख्य सचिव पहुंचे मथुरा, भगवान बांके बिहारी के किए दर्शन, मंदिर के आसपास के क्षेत्र का किया निरीक्षण। नाबालिग से दुराचार का मामले में मथुरा कोर्ट ने आरोपी को सुनवाई है आजीवन कारावास की सजा। रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, आयुर्वेदिक दवा बनाने का रोजगार के नाम पर करोड़ों लेकर भागी कंपनी। गोरखपुर में फूल बेच रही महिला को दरोगा ने पीटा, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी महिला। 8 साल की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास, मथुरा कोर्ट ने 40 दिन में सुनाया फैसला, 35,000 जुर्माना भी लगाया। आगरा में प्रधान की बेटी के साथ मारपीट का व छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी कांड के 3 और आरोपी जेल जमानत पर छूटे, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का है आरोप। शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट, सोशल मीडिया से दोस्ती फिर शादी का झांसा। हरदोई में आर्यवत ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश, गैस कटर मशीन से चोरों ने काटी अलमारी, पुलिस मामले को दबाने में जुटी। आगरा के सिकंदरा चौराहे के पास टकराई 2 कारें, बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त, हाईवे पर लगा लंबा जाम। अमेठी में शादी वाले घर में चोरों ने बनाया निशाना, 10 लाख रुपए नकद और 30 लाख के जेवर ले उड़े। मथुरा आगरा हाईवे पर रोडवेज बस छोड़कर भागा ड्राइवर, सफर कर रहे इंजीनियर ने संभाली ड्राइविंग सीट। लखीमपुर में सैकड़ों प्रधानों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन डीएम को सौंपा।
मुजफ्फरनगर में दूधिया को ट्रांजिशन मारी गोली, गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की जेल, 2000 जुर्माना। 5 साल पहले स्कूल जाते समय 2 चचेरी बहनों से की थी अभद्रता। संत कबीर नगर के अनियंत्रित होकर मंदिर में घुसा पिकअप पुजारी समेत 4 लोग घायल, चावल उतार कर जा रहे थे गोंडा। गाजियाबाद में चिप्स कोल्ड ड्रिंक लाने पर छात्र को पाइप से पीटा, स्कूल निदेशक गिरफ्तार, नंदीग्राम थाने में हुई FIR। वाराणसी में पूर्व विधायक अजय राय पर FIR, कहा राहुल गांधी का विमान नहीं रोकने पर साजिशन का आरोप लगाया था। जौनपुर में दहेज के लिए पत्नी को घर से भगाया पति, अदालत में भरण पोषण को 4000 महीना देने का दिया आदेश। मऊ में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलटा, ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बारात में करंट लगने से युवक की मौत, गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर से छू गया था लाइट, युवक की नहीं हो पा रही शिनाख्त। फतेहपुर में महिला ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, पति पंजाब में करता है मजदूरी, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। महाराजगंज में शिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, सनौली में शिव मंदिर स्थापना पर निकाला शिव बारात। कुशीनगर में महाशिवरात्रि की रात में निकला सांप, सुबह होते ही सांप की पूजा अर्चना करने में जुटी भीड़। फिरोजाबाद में बम बम बोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, कांवड़ चढ़ाने वालों का लगाता था। बस्ती में महादेव के जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव से गुंजायमान है समूचा परिसर। सवस्ती में विभूतिनाथ मंदिर में चल रहा है जलाभिषेक, 10,000 लोग करेंगे जलाभिषेक, 30 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात। झांसी में 2 बच्चे नदी में डूबे, 1 की मौत, खेलते वक्त नदी में लकड़ी उठाने गए थे, पिता ने भांजी बचाया। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।